Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today we will do exercise of chapter 16, Aladdin and the Magic Lamp. बेटा हम हमारी प्रीवियस क्लास में डिफिकल्ट वर्ड्स वर्ड मीनिंग और चैप्टर की जो रीडिंग है वो हम कर चुके हैं. आज हम हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. ओके, पेज नंबर है 150, पेज नंबर 150. ओके बेटा, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और फिर आप इसे अपनी बुक में फिल करेंगे, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और फिर अपनी बुक में फिल करेंगे. ओके, क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. आपने बेटा इन ब्लैंक्स को फिल करना है. आपने जो वर्ड है वो लेसन में से ही लेने हैं. लेसन आप रीड कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक्स में क्या आएगा, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो आपने चैप्टर में से ही चूज कर लिए हैं. ओके, अब देखिए अलादीन वॉर और डैश सन. अलादीन किसका बेटा था? अलादीन वो जो डैश सन ब्लैंक दिया हुआ है ना आपको, यहां पर आप लिखेंगे पुअर, पी ओ ओ आर पुअर, टेलर्स टी ए आई एल ओ आर आर और अपोस्ट्रोफी एस टेलर्स सन. ओके, और विद डैश मीन्स अलादीन एंड सेन, और डैश और विद डैश विद एक दुष्ट, डैश मीन्स कौन मिला, विजार्ड कौन मिलता है, विजार्ड जादूगर डब्ल्यू आई जेड ए आर डी विजार्ड मीन्स अलादीन. अलादीन को मिलता है एंड से और कहता है ऑन गॉड डैश कि मैं तुम्हारा अंकल हूं. अंकल ही आस्क अलादीन, उसने वह अलादीन से पूछता है, उसने अलादीन से पूछा किसने, जो वो विंड विजार्ड है उसने, टू डैश मी. वह अलादीन को कहता है, वह अलादीन को कहता है, क्या कहता है, टू कम सीवाई मी कम विद मी कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो. ही टेक्स हिम टू अ डैश वैली. ही वह टेक्स हिम उसे ले जाता है, और डैश वैली और नैरो वैली एक संकरी घाटी में, एन ए आर आर ओ डब्ल्यू नैरो वैली, एक नैरो वैली में एक संकरी घाटी में अलादीन को वह ले जाता है. कौन? जो उसे विग विगार्ड मिला था वह. नेक्स्ट है ही लाइक्स अ डैश एंड थ्रो द डैश पाउडर इन हिम. ही लाइक्स अ डैश, उसने आग जलाई है, आग जला है, फायर एंड थ्रो द डैश पाउडर इन हिम और उस पर जादू का पाउडर फेंकता है. मैजिक एम ए जी आई सी मैजिक पाउडर इन उस पर डालता है, फेंकता है. द डैश ओपन्स, द डैश ओपन्स द ग्राउंड ओपन्स, ग्राउंड जो है मैदान जो है वो खुल जाता है. जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड ओपन. ही मेक्स अलादीन पुल अप अ राउंड ग्रास डैश ऑन द बिग स्क्वायर डैश. वह अलादीन को बताता है पुल अप अ राउंड ग्रास डैश कि पीतल की अंगूठी आ रहा है रिंग कि एक पीतल की अंगूठी को खींचता है ऑन द बिग स्क्वायर डैश. एक बिग स्क्वायर एक बड़ा जो स्क्वायर है वर्गाकार का जो पत्थर है एस टी ओ एन स्टोन. ही मेक्स अलादीन पुल अप अ ब्राउन ग्रास रिंग ऑन द बिग स्क्वायर स्टोन. ही मेक्स अलादीन, वह अलादीन को बताता है पुल अप अ ब्रास राउंड ब्रास रिंग, एक जो राउंड ब्रास रिंग है पीतल की जो अंगूठी है ऑन द बिग स्क्वायर स्टोन, बिग स्क्वायर स्टोन पर जो वर्गाकार जो पत्थर है
उस पर जो है उसे खींचता है। द विजार्ड टेल अलादीन, विजार्ड ने अलादीन का, विजार्ड जो जादूगर है टेल्स अलादीन, अलादीन को बताता है टू गो डाउन इनटू द केव, टू गो डाउन के नीचे जाओ, इनटू द केव गुफा में, केव मींस गुफा, एंड लुक फॉर एन ओल्ड डेड, एंड लुक और देखो फॉर एन ओल्ड डेड, वहां नीचे गुफा में जाओ और वहां पर एक पुराना लैंप देखो, LAMP लैंप। द डिड अंकल नोन, जो वो दुष्ट अंकल था, जो वो पापी, जो बुरा अंकल था, नोज जानता है, ही विल डैश इफ ही ट्राई टू गेट द डैश हिमसेल्फ, वह जानता है कि ही विल डाई, कि वह मर जाएगा इफ, यदि ही ट्राई टू गेट द डैश हिमसेल्फ, कि अगर वह खुद से, वह अपने आप ही उस लैंप को लेने की कोशिश करता है तो वह खुद ही मर जाएगा। LAMP तो इसीलिए वह जो अंकल है वो क्या करते हैं, अलादीन को वहां गुफा में ले जाते हैं और उसको कहते हैं कि नीचे एक लैंप है, गुफा में नीचे अंदर जाओ और एक पुराना लैंप पड़ा है उसे देखो, उसे ढूंढो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बेटा हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 116 पर। ओके बेटा, बेटा क्वेश्चन है हमारा चूज वर्ड्स, शब्दों को चुनना है फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से, एंड फिल इन द ब्लैंक, और जो ब्लैंक है उनमें फिल कीजिए। बेटा आपको वर्ड दिए हुए ऊपर, पहले हम इन्हें ध्यान से रीड करेंगे। सनसेट, सूर्यास्त, सूर्य का छिपना, सूरज का छिपना, सनसेट, रिमेंबर याद करना, रिमेंबर याद करना, सॉफ्टली धीरे से, सॉफ्टली धीरे से, नो वन कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, एम्प्टी खाली, एम्प्टी खाली, कमा ऊपर आ, कमा ऊपर आ। ओके बेटा, अब आप सेंटेंस को ध्यान से रीड करेंगे और सेंटेंस में बेटा देखो आपको ना रेड कलर से वर्ड को चेंज किया हुआ कलर का, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए जो वर्ड चेंज है आपने उसका जो अपोजिट है उसको फिल करना है, ये अपोजिट नहीं है। द ग्लास वॉज फुल ऑफ वाटर, ग्लास जो है फुल ऑफ वाटर, पानी का भरा हुआ ग्लास जो है, पानी का भरा हुआ था। दीपक ड्रैंक ऑल द वाटर, दीपक ड्रैंक, दीपक ने पी लिया ऑल द वाटर, सारा पानी। नाउ अब द ग्लास वॉज, क्या है अब, पहले तो ग्लास भरा हुआ था और अब ग्लास खाली है, एम्प्टी, E-M-P-T-Y, empty, फुल का अपोजिट हो गया है एम्प्टी। सेकेंड है हमारा विजार्ड जादूगर टू अलादीन, गो डाउन नीचे जाओ, एंड लुक फॉर एन ओल्ड लैंप, और एक पुराने लैंप को देखो, देन तब डैश एंड गिव मी द लैंप, तब ऊपर आओ और मुझे वो लैंप दे दो, कम आ, कम आ। ओके थर्ड बेटा हमारा, द किंग सेड टू द ब्रेव यंग मैन, किंग राजा ने सेड कहा टू द ब्रेव यंग मैन, जो बहादुर जवान व्यक्ति है उसको कहा, द हॉर्स विल रन फ्रॉम सनराइज, घोड़ा सनराइज सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सनराइज सनसेट, सूर्यास्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक दौड़ेगा, यू हैव टू फॉलो इट, तुम इसका
पीछा करो, इसका पालन करो। यू हैव टू फॉलो इट, तुम इसका पीछा करो। ओके, नेक्स्ट बेटा फोर्थ हमारा, आई कैन नेवर फॉरगेट माई ग्रैंडमदर। आई कैन नेवर, मैं कभी नहीं फॉरगेट भूल सकता, कहना ना सकता, फॉरगेट भूलना। माई ग्रैंडमदर मेरी दादी थी, मेरी दादी ना को मैं कभी नहीं भूल सकता। आई कैन ऑलवेज डैश हर काइंडनेस एंड द स्टोरी शी टोल्ड मी। आई ऑलवेज, मैं हमेशा याद करूंगा, याद रखूंगा, रिमेम्बर हर काइंडनेस, उसकी दयालुता एंड ऑफ द स्टोरी, कहानियां शी टोल्ड मी, वह जो मुझे सुनाती थी, कि मैं मेरी दादी जी को कभी नहीं भूल सकता हूं। मैं हमेशा याद रखूंगा, याद करूंगा उनकी दयालुता और उनकी कहानियां जो वो मुझे सुनाती थी। डोंट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, डोंट टॉक मत बोलो लाउडली जोर से, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जोर से मत बोलो। यू मस्ट टॉक, तुम्हें बोलना चाहिए, कैसा, सॉफ्टली, सॉफ्टली, धीरे से, आराम से, कि लाइब्रेरी में जोर से मत बोलो, धीरे से बोलो। एवरीवन इज हैविंग लंच, एवरीवन सभी इज हैविंग लंच, लंच ले रहे हैं, लंच कर रहे हैं। डैश इन द सॉरी देयर इज डैश इन द गार्डन, वहां गार्डन में कोई भी नहीं, कि गार्डन में कोई नहीं है, सभी लंच कर रहे हैं। नो वन, बोरी में आटा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर,
beautiful flowers. Next is son. Son means beta. And son, Suraj. Surya. Son, I have only one son. Suraj is my son. Rahul is my son. The sun rising in the east. Surya purav disha mein hota hai. Surya purav mein hota hai. Uday hota hai. Okay, beta, beta, ye aapki exercise thi. Aap dhyan se apne exercise ko sundar handwriting mein fill karenge. सोच समझ कर, ऐसे नहीं आपने सीधा लिखा और कंप्लीट किया था. नो, आप इसे ध्यान से समझेंगे और उसके बाद अपनी बुक में फिल करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.